भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से जिस प्रत्याशी के लिए जनता की आंखों में आंसू है, वो प्रत्याशी आज हमारे साथ दशरथजीत कोठारी, जिनकी बड़ी विजय के लिए भीलवाड़ा से संगठन विचार परिवार ने पूरा ताकत पूरी अपनी ताकत जोड़ दी। मैं अशोक जी कोठारी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जीत पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो जीत है वो सब पूरी भीलवाड़ा की जनता की जीत है, उनके प्रेम और विश्वास की जीत है, कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और साहस की जीत है, और संगठन के साधना और तपस्या की जीत है, और जनता ने जो असीम अद्भुत स्नेह दिया है उसके प्रति हम निशब्द है। और हम सभी से ये कहना चाहेंगे, जो आप लोगों ने विश्वास किया है उस विश्वास को हम पूरा करेंगे और अधिक करेंगे। और राजनीति क्षेत्र में भी, राजनीति क्षेत्र में नीति और निर्णय अब दोनों में भी हम पूरे खड़े हो जाएंगे, नीति से, न्याय से, प्रमाणिकता नैतिकता से, और निर्णय लेने के क्षेत्र में भी कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आप सभी जनता का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। कोठारी जी, आजादी के, आजादी के बाद यह युग है 1951 के बाद पहली जीत भीलवाड़ा में निर्दलीय के रूप में बिना किसी सिंबल के आपको मिली है, क्या कुछ इस पर आपकी राय? देखिए सर, भीलवाड़ा की जो जनता है उन्होंने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है, और उन्होंने देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है, और उन्होंने अपने आत्मविश्वास था उन सभी का, और एक प्रेम था, और उनका एक अवेयरनेस कह सकते हैं, जागरूक मतदाता कह सकते हैं, और जागरूक मतदाता का कर्तव्य निभाया है भीलवाड़ा की जनता ने, और एक नया इतिहास बनाया है। अब पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि राजनीति उच्च नेतृत्व अगर कोई भूल करेगा तो जनता परिवर्तन कर देगी, तो भीलवाड़ा की जनता को ही नया अध्याय और नया इतिहास लिखा जाएगा देश की राजनीति के लिए। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने आपको भीम आदिया कहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रामपाल जी शर्मा ने जो कहा है, तो हमने पहले भी कहा कि रामपाल जी शर्मा को भी भीलवाड़ा जानते हैं, हमें भी जानते हैं। हमारे जीवन में आज तक हमने व्यवसाय जगत हो, उद्योग जगत हो, या रियल एस्टेट हो, हमने कभी भी कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया, पूरा नैतिकता प्रमाणिकता के साथ कार्य किया, और किसी से भी आप पूरी पूरी भीलवाड़ा की जनता से पूछ सकते हैं। और देखिए, ये अशोक दिए थे अशोक जी कोठारी, जिन्होंने मुखर होकर सारे सवालों का जवाब दिए, जिन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये चुनाव लड़ा ये उनकी जीत है, ये राजस्थान में नहीं भारत के अंदर पहली जीत है जो बिना सिंबल के एक नीति ने को इतना प्यार मिला हो, ये स्नेह पर विश्वास की जीत है। और अंतिम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे कोठारी? देखिए सर, हम कहना चाहेंगे भीलवाड़ा जो जनता ने, हम 24 दिनों से भीलवाड़ा की जनता के बीच में रहे और जनता के दर्शन के लिए निकले, और उस दर्शन में प्रभु के दर्शन हुए, और भीलवाड़ा के दर्शन में भारत के दर्शन हुए। और सभी लोग कहते हैं राजनीति क्षेत्र अच्छा नहीं है, पर हम आपको ये बताए कि हमने अपने सिद्धांतों के साथ, सत्य के साथ कोई समझौता नहीं किया, हमने अपने मन से, वचन से, काया से पूरा नैतिकता प्रमाणिकता के साथ रहे, और इसके अंदर जबकि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, पर हमने अभी कोई भी तरह से पूरे सत्य न्याय के साथ खड़े रहे। और हम आप सभी को कहना भी चाहेंगे कि राजनीति का जो क्षेत्र है उसका मतलब होता है श्रेष्ठ नीति, जो राजनेता और देश का नेतृत्व करता है उसको कैसा होना चाहिए, एक नीतिवान होना चाहिए, एक सत्यवादी होना चाहिए, एक प्रमाणिकता का भाव लेके होना चाहिए, भाव लेके चलना वाला, तो वो सभी चीजें हम देखेंगे। और निर्णय क्षमता, निर्णय में हमने पहले पूरी भीलवाड़ा की जनता में कोई भी प्रश्न है तो हम आपको कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में पहली बार आके और इस स्थिति में निर्दलीय स्थिति में आना, ये भी एक बहुत बड़ा आप सभी को एक संदेश है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। ये निर्णय था, एक छोटा सा निर्णय था अपने संगठन का, अभी अपने देश भीलवाड़ा की जनता को पीड़ा है, और कार्यकर्ता दुखी है, यहाँ का विकास रुक गया है, और उसके बाद संगठन की अपेक्षा है, इतनी सी बातें हमने हाँ की है, और हाँ करने के बाद हमारे परिवार जन की जो नहीं चाहते थे उनकी पीड़ा थी, फिर भी उनकी पीड़ा से पार करके हम इस क्षेत्र में आए,
पर हमारे परिवार को भी हम नमन करते हैं, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, कि उन्होंने जब हमने निर्णय ले लिया तो हमारे साथ खड़े रहे। होटल जी, क्या आपको लगता है बिना सिंबल के इतनी बड़ी जीत होना, तो क्या जिम्मेदारियों का भार भी आपके कंधों पर चले रहेगा? ये बात सत्य है, जनता ने जो विश्वास किया है, दायित्व दिया है और जिम्मेदारी दी है, वो तो अधिक रहेगी रहेगी। अपना दायित्व और जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। और सिंबल था पूरी भिलवाड़ा की जनता, सिंबल को हम अशोक प्रभारी करके नहीं थे, पूरी भिलवाड़ा की जनता ने ही चुनाव लड़ा है, जीत भी जनता की है, केवल नाम मात्र हमारा नाम था। तो ये थे अशोक कोठारी, मैं जिला मुख्यालय से सीताराम सोनी, संपादक खबर भिलवाड़ा, धन्यवाद।